हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील जरूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। डेली बेसिस पे हम रीडिंग करते हैं आपके लिए, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है। तो चलिए आज भी देख लेते हैं। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखिएगा, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना भी हो, क्योंकि हम सभी लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए रीडिंग नहीं हो रही है। तो हो सकता है कुछ बातें मैच होंगी, कुछ बातें मैच नहीं भी होंगी। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है ऐसी और वीडियोस के लिए जो आपके लिए मैं डेली बेसिस पे लेके आती रहती हूँ। सो व्यूवर्स, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनलिंग के लिए आप चाहें तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए पर्सनलिंग चार्जेबल होती है। तो आप अपने पर्सन का नाम मनीमन दोहराइए, उनके बारे में सोचिए और चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उनकी करंट थॉट फीलिंग आपके लिए क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सन के करंट थॉट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। सो वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, वी हैव विवर्स सिक्स ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ एक गाना याद आ रहा है मुझे आपकी तरफ से, ठीक है, बॉटम से है कि दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, या वो गाना नहीं सुना, बहुत पुराना गाना है कि दिल तोड़ा है जैसे कि और हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, लेकिन याद तो आएगी, याद तो तुम्हें मेरी कभी ना कभी आएगी, मेरा प्यार आएगा और वो तुम्हें रुलाएगा। मेरे प्यार की शिद्दत इतनी गहरी होगी कि वो तुम्हें मेरे लिए तड़पने पे, रोने पे मजबूर कर देगी, और वही आज यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। देखो इस व्यक्ति ने करा क्या है वीवर्स, यहाँ पे इस व्यक्ति ने वीवर्स आपका दिल तोड़ा, आपको हर्ट किया, आपके आपके लिए वो शब्द इस्तेमाल किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे, वो फीलिंग अपने मन में जो इनके मन में थी वो आपके इससे हटा के किसी और से जोड़ ली, किसी और से वो मुँह के धागे इस व्यक्ति ने जोड़े और आपसे तोड़ बैठे, जो कि जबकि ये रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ था, भावनाओं से जुड़ा हुआ था, एक दूसरे के लिए लॉयल्टी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था, आपने इसको अपना सब कुछ समर्पण किया था, सब कुछ इसको अपना मान के बैठे थे, लेकिन ये व्यक्ति आपका दिल तोड़ के, आपका दिल तोड़ के व्यूवर्स वो किसी और के साथ में जुड़ जाता है या जुड़ जाती है, ऐसा नज़र आता है यहाँ पे, ठीक है। तो हुआ यही है व्यूवर्स के, लेकिन फिर भी, लेकिन देखने वाली बात है कि एक तो होता चल किसी और से जोड़ लिया और आप एकदम से पीछे हट गए, आपने फिर भी इस व्यक्ति को समझाने की, मनाने की, वापस से लाने की, अपना रिश्ता बचाने की हर चीज़ को देखते हुए भी आपने आँखें बंद कर ली। इस व्यक्ति के जो भी आपके प्रति उस समय एटीट्यूड और बिहेवियर चल रहे थे, आपने फिर भी उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश की कि चल भाई एक इंसान गलत हो सकता है, लेकिन दूसरा भी अगर सेम गलती करे तो उससे क्या फ़ायदा, है ना, उससे तो रिश्ता बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। लेकिन फिर भी आपने अपनी तरफ से लॉयल्टी रखी, आपने अपनी तरफ से चीज़ें, एफर्ट्स जो थे इस कनेक्शन को बचाने के लिए आपने वो करते रहे, वफा आप अपनी निभाते रहे, लेकिन इस व्यक्ति ने आपसे बेवफाई यहाँ पे की, वो यहाँ पे नज़र आता है। इस व्यक्ति ने आपको ना चुन के किसी और को चुना, इवन दो यहाँ पे ऐसा भी नज़र आता है व्यूअर्स कि इस व्यक्ति ने, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बट उसने आपको छोड़ के किसी और से शादी भी की है, ऐसा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी फील हो रही है कि इन्होंने उसके साथ को चुना, उसके साथ में जुड़े, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे मैंने बोला था ना कि वफाएं याद करोगी या करोगे, तो बस वही है व्यूअर्स यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ में। आज ये व्यक्ति जो आपको कहीं ना कहीं छोड़ के गया था, आज इसका खुद वहाँ पे चित्त नहीं जम रहा है इस वक्त, जैसे कि चित्त मतलब कि दिल नहीं लग रहा, आप ऐसा समझ सकते हो कि दिल नहीं लग रहा इस व्यक्ति का, शादी कर ली, किसी और के साथ में जुड़ गए, लेकिन फिर भी व्यूअर्स इस व्यक्ति का लाइफ में वो इनको नहीं मिल पाया जो इनको मिलना चाहिए था, ऐसा यहाँ पर आपके पर्सन कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि यार सब कुछ मिल गया लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कमी है, क्यों मेरी निगाहें कुछ तलाश रही हैं, क्यों मैं अभी भी कुछ अपने आप में इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। चलिए इन कार्ड्स को हम ऑल क्लेरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं और क्या आ रहा है, ठीक है। राशि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, राशि है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यानी कि मिथुन तुलान कुंभ राशि, कर्क वृश्चिकन मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, एरीज लियो सेजिटेरियस मेषिंग धनु राशि। तो चारों एलिमेंट आई हैं, चारों एलिमेंट के कार्ड आए हैं, तो सारी राशि यहाँ पे आ जाती है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है,
एग्जैक्टली एपिसोड यहाँ पे क्यों आया है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे देखो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, जीरो को कहीं ना कहीं, मतलब अब इस व्यक्ति को, जो ये व्यक्ति उस समय सब कुछ आपको छोड़ के गया था, सब कुछ आपसे कहीं ना कहीं रिश्ता अपने ख़त्म करके गया था, आज वही व्यक्ति व्यूअर्स अपने आप को ऐसा फील कर रहा है कि उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती तो हुई है। ठीक है, उन्होंने क्या करा था व्यूअर्स, देखो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है बहुत ही स्पेसिफिकली कि ये व्यक्ति लाइफ में अपनी आपकी तरफ आगे क्यों नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि या तो इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर था, ठीक है, फैमिली की वजह से इन्होंने, या तो ये व्यक्ति ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो सकता है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पे मैरिज की मिल रही है। ठीक है, अब कुछ लोगों से हो सकता है ये बात रेजोनेट हो, कुछ लोगों से ना भी, पर ऐसा नज़र आ रहा है या तो आपके साथ में कनेक्शन था, आपको छोड़ के इन्होंने ऑलरेडी मतलब किसी और से शादी कर ली, या पहले से ही शादीशुदा व्यक्ति ये थे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ऐसा नज़र आ रहा है। बट आफ्टर सम टाइम इनको रियलाइज़ हुआ कि इनको उसी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, उसी तरफ कहीं ना चले जाना चाहिए, क्योंकि उनको वो चीज़ें एज़ पर जो कहीं ना कहीं कहते ना बनी बनाई जो सोच होती है उसके अकॉर्डिंग ये व्यक्ति चल रहे थे, और इन्होंने आपका जो कनेक्शन उसको ढंग से डील नहीं कर पाए, उस कनेक्शन की जो इम्पॉर्टेंस थी वो ये व्यक्ति नहीं समझ पाए, आपका दिल तोड़ के व्यक्ति अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, क्योंकि इनको लगा कि वो इस रिश्ते में नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो एक इमेच्योरिटी को व्यूवर्स यहाँ पे चीज़ नज़र आती है कि इंसान को एटलीस्ट अपने लिए तो डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो ये व्यक्ति दो नावों में सवार था, ठीक है, एक रिश्ता आपके साथ में भी चला रहा था, फिर किसी और के साथ में भी चला रहा था, ऐसा नज़र आ रहा है, चला रही थी। फिर ये व्यक्ति व्यूवर्स जो आगे अपनी तरफ से बढ़ते हैं, आज उनको व्यूवर्स आपकी ज़रूरत है, क्योंकि व्यक्ति व्यूवर्स कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि उस वक्त में लिया हुआ डिसीजन इनका जो कहीं ना कहीं था, ठीक है, वो गलत है। और व्यूवर्स राइट नाउ ये व्यक्ति जो है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी राइट नाउ इसी एनर्जी में स्टक हैं, वो ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी भी उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो मेंटालिटी है, ठीक है, वो क्या है कि यार फैमिली सही कह रही है, मुझे फैमिली की बात माननी चाहिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग मुझे चलना चाहिए, ये चीज़ें गलत हैं एज़ पर सोसाइटी, एज़ पर ट्रेडिशंस, एज़ पर वैल्यूज़ जो कहीं ना कहीं इनकी है, ठीक है, ये चीज़ें अभी भी आपके पर्सन स्टक है। यानी कि अगर आप उनको अभी भी समझाने की कोशिश करेंगे ना कि यार लौट के वापस आ जाओ, इस रिश्ते को ख़राब मत करो, ठीक है, तो मेरे साथ में रिश्ता रखो, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप इनको कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका पर्सन आपको यही समझा देगा नहीं 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 ये चीज़ें सही नहीं है, फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर फैमिली ख़राब हो जाएगी, मेरी फैमिली ख़राब हो रही है, ठीक है, और मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना है, मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन आपको कहते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये कुछ ना कहीं ना कहीं चल रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन जो आपको फुली इग्नोर कर रहे हैं वो इस वजह से भी कर रहे हैं, जो प्रेजेंट एनर्जी को यहाँ पर बता रहा है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी आई है। एट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स? तो व्यूवर्स देखो यहाँ पे कहने की बात ये है कि भाई जो व्यक्ति आपको छोड़ के गया था, जिस वजह से, जिस रीज़न से, जो भी रीज़न इन्होंने आपको दिए थे व्यूवर्स, आज ऐसा नज़र आ रहा है वो सब कुछ, मैंने बोला था ना, इनको वो चीज़ें नहीं सेटिस्फाई कर पा रही हैं, वो इनको नहीं इनकम्प्लीट फील कर पा रही हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे व्यूवर्स देखा जा सकता है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके पास में आने के लिए एक जैसे कहते हैं ना इच्छा रखता है, एक कैद में है व्यक्ति, ऐसा लगता है जैसे इसको कैद में है, जैसे कि सब कुछ है पर फिर भी ये इमोशनली डिससेटिस्फाई यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे इससे निकलना चाह रहा है, ये व्यक्ति खुश होना चाह रहा है। ये व्यक्ति की अगर हम नेक्स्ट एनर्जी देखें, थ्री ऑफ कप्स की आ रही है, जो थ्री एट ऑफ कप्स के बाद में आई है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति राइट नाउ अपनी लाइफ में इनकम्प्लीट, इमोशनल अनसेटिस्फाई, फीलिंग लाइक ए लोनली, और ऐसा फील करें जैसे कुछ रहा ही नहीं, इनको चाहिए एक प्यार, एक सपोर्ट, एक केयर, एक अंडरस्टैंडिंग, एक तरह का रिलेशन जिसमें इंसान खुल के हंस सके। तो ये व्यक्ति राइट नाउ व्यूअर्स ऐसी एनर्जी में जहाँ पे ये खुल के हंस भी नहीं पा रहा है, खुल के जी भी नहीं पा रहा है, या जी भी नहीं पा रही है, और वो इस तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ के आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे कह रहे हैं कि यार मेरे को, मैंने तुम्हें थ्री ऑफ सोर्ड दिया, लेकिन यहाँ पे खुद इनको भी थ्री ऑफ सोर्ड मिल गया। ठीक है, तो आपके पर्सन के राइट नाउ की ये एनर्जी है, जैसे वो कह रहे हैं कि मुझे मेरी खुशियों की तरफ, मुझे मेरे अपने की तरफ मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है कार्ड। यस, थ्री ऑफ कप्स पे थ्री नंबर की एनर्जी आ गई अगेन, और ये क्रिएटिविटी की है, यानी कि व्यक्ति जो आगे बढ़ना चाह रहा है या फिर आना जो चाह रहा है व्यूवर्स, ठीक है, अपनी लाइफ में जो कहीं ना कहीं एक नया जो सर्किल शुरू करना चाह रहा है, वो खूबसूरत होना चाहिए। इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं राइट ना इन्हीं चीज़ों को लेकर ज़्यादा फोकस है कि उसकी लाइफ अच्छी हो, उसकी लाइफ में उसको प्यार मिले, उसकी लाइफ में उसकी जो मतलब उसकी जो लाइफ स्टाइल हो वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, मतलब हर तरह से चीज़ें नर्चर हो, नर्चर मतलब कि हर चीज़, जैसे कहते हैं ना कि एफर्ट लगाए हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिले, तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि अगर मैं देखूँ बॉटम से भी हमारे पास दो सोर्स आता है,
सोर्स मतलब लाइफ। तो व्यूअर्स, एक न्यू लाइफ की तरफ आपके पर्सन यहाँ पे कहीं ना कहीं कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको वो फील नहीं हो रहा वहाँ पे, जहाँ पर आपके पर्सन है ना, वो वहाँ पे वैसा फील नहीं कर पा रहे हैं कि उनको लगे कि यार वो ज़िंदगी को जी पा रहे हैं। ज़िंदगी जीना, जैसे ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ, मुझे ज़िंदगी जीना है, मुझे कैद से बाहर निकलना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी कार्ड्स आ रहे हैं ना, वो यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनके लिए वो या तो वो शादी, जिस भी शादी में ये गए या करंटली जिस भी पर्सन से ये मैरिड हैं उससे, ये मतलब ऐसा नज़र आ रहा है किसी कनेक्शन में है ये व्यक्ति। ठीक है, फैमिली है इनकी, वो भी ऐसा नज़र आ रहा है कि उनकी फैमिली हो, कि घर में है, सब सब जने हैं, बट ये उनके साथ में कंफर्टेबल नहीं है। ऐसी एनर्जीज में रिवर्स आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल को यहाँ पे इनवर्स क्लैरिफाई करें, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल। तो व्यूअर्स देखो, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो आपके साथ में कहीं ना कहीं इनजस्टिस किया था, आपको चुना नहीं था, आपको इंतज़ार करवाया था, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था व्यूअर्स, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी चाह रहे हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में जैसे कि कह रहे हैं ना आपको भी लग रहा है कि यार कुछ बचा नहीं है इस कनेक्शन में, ये व्यक्ति जा चुका है, मूव ऑन कर चुका है, अब मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, सब कुछ ख़त्म हो चुका। वैसे ही आपके पर्सन कह रहे हैं कि हाँ, चीज़ें मेरी लाइफ में भी कुछ नहीं अच्छा चल रहा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका, और उसको उनको भी कनेक्शन में कुछ नजर नहीं आ रहा, उनको भी आपसे ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि जैसे आप उनके लिए कुछ भी फील नहीं करते हैं, आपने इनके लिए सब ब्लैक कर दिया है। मतलब ब्लैक मतलब अंधेरा, अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता, ब्लैक एंड व्हाइट हो चीजें फिर भी कुछ नजर आती हैं, लेकिन अंधेरे में क्या नजर आएगा। तो इनकी जो उम्मीद है व्यूअर्स, वो भी यहाँ पर टूटती जा रही है, उनको भी लग रहा है कि आप उनको फुल्ली इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, उनके साथ में आप रिलेशनशिप आप उस तरह से नहीं लेके चल रहे हो, या उनके लिए वैसा कुछ फील नहीं करते हो, या फिर आपका जो दिल है, जो रुझान है, इस व्यक्ति से हटके किसी और पे आ चुका है, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है। अब ये व्यक्ति यहाँ पे चाहते क्या है, जो ये ब्लैक हो गई है पूरी की पूरी उनकी जो ज़िंदगी, वो इसमें ब्रेक थ्रू चाहते हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं कलर भरना चाहते हैं, वो इस जंजाल से जैसे निकलना चाहते हैं। ठीक है, वो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर आ गई है कि वो चाहते हैं कि सब कुछ अब उनके फेवर में हो, सब कुछ उनके तरह से हो, और वो जो जिस कैद में, जिस कैद की मैं बात कर रही हूँ, ये उस कैद से रिलीज होना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ वैंड्स में व्यूअर्स हमारे पास अगेन सिक्स नंबर की एनर्जी आई है लवर्स की, और यहाँ पे फोर नंबर की एनर्जी आई है पार्टिसिपेशन की। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन का जो मानना है या फिर जो कहना है, जो फीलिंग आ रही है, वो ये बता रही है कि वो आपके साथ में होना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपसे प्यार पाना चाहते हैं, आपके साथ साथ में होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। जैसे कि एक तरह से कहते हैं ना, एक जैसे कि जैसे शादी होती है तो दो लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, तो बस वही आपके पर्सन यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं, किस तरह से जुड़ जाना चाहते हैं, जैसे वो कभी अलग ही ना हो। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये हार्ट है और इसमें देखें दोनों दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं मेल फीमेल की, वो एक दूसरे से कैसे अलाइंग है। ठीक है, तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपका पर्सन जो है वो आपसे इसी तरह के प्यार की, इसी तरह के कनेक्शन की उम्मीद रख के यहाँ पर चल रहा है, जैसे कि आप उनके हो जाएँ, वो आपके हो जाएँ, आप दोनों के बीच में फिर कोई गैप्स ना रहे, कोई दूरियाँ ना रहे, किसी तरह का कुछ भी मनमुटाव ना रहे। ठीक है, और वो आपके यहाँ पर होना चाह रहे, तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पर आ रही है, जैसे कि पार्टिसिपेशन चाहते हैं। वो पार्टिसिपेशन मतलब कि होना, किसी के साथ में जुड़ना, किसी की लाइफ का हिस्सा बनना, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो वो आपका प्यार चाहते हैं भी बस। ठीक है, तो ये एनर्जी इसमें आया है। नाइन ऑफ कप्स को यहाँ पे इनवर्स क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ कप्स, वी हैव अवेयरनेस, तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि उनकी सच्ची खुशी कहाँ है, उनको सच्ची खुशियाँ कहाँ मिल सकती है, सच्चा प्यार करने वाला कौन मिल सकता है, कौन इनको समझ सकता है, किसके साथ में ही खुश रह सकते हैं, किसके साथ में लाइफ उनकी अच्छी हो सकती है, किसके साथ में अगर वो रहेंगे तो उनको लाइफ एक बेहतरीन मिल सकती है, जहाँ पर वो कहें कि यार मैं लाइफ हो तो ऐसी। ठीक है, तो व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं, और ये व्यूअर्स आपके पर्सन की जो बॉटम की एनर्जी आ रही है, मोरालिटी एंड एग्जॉक्शन, ये भी बताती है कि आपके पर्सन ने अगर जो तकिया नूसी रीति रिवाज को, या फिर बातों को, या फिर जो भी थे उन चीज़ों को इन्होंने फॉलो किया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देख रहे थे, आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, आज वो व्यक्ति अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा फंस चुके हैं, देख रहे हो हर चीज़ उथल पुथल में मची हुई है, इनकी लाइफ में हर चीज़ एग्जॉक्शन में चल रही है, यानी कहीं ना कहीं नाइन ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ गई जहाँ पर इस व्यक्ति की लाइफ में इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी लाइफ को ये स्मूथ बनाएं, कैसे चीज़ों को डील करें, क्योंकि इनसे कुछ डील हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, इस तरह इतना ज़्यादा ये व्यक्ति राइट नाउ प्रेशर लेके चल रहा है कि यार हर चीज़ इनकी उथल पुथल में चल रही है, और आपके पर्सन इस वजह से आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी भी मांगते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि माफ़ कर दो मुझे कि जो भी इन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया उसको लिए। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जीज में निकल के यहाँ पर आया है। चलिए देखते हैं उनके आपके लिए क्या एक्शन हो सकते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं।
वो इनके लिए राइट नाउ हाल फिलहाल में क्या एक्शन ले सकते हैं डिवाइन एंजल प्लीज गाइड करें। द एम्परर, द चैरियट, वाओ, द जजमेंट, कोई बहुत बड़ा डिसीजन। यस, वो आपके पर्सनल व्यूवर्स आपकी तरफ यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ तीनों ही कार्ड जो हमारे पास एक्शन में आए हैं ये मेजर हैं, ठीक है। यानी मेजर डिसीजन होगा, मेजर एक्शन होगा, जो चीज़ें बदलेगा, जो हालात बदलेगा, जिसके जिसमें कुछ करने से इम्पैक्ट दिखेगा बड़े लेवल पे, ठीक है। तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर की तरफ आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन आपके पास में, डिसीजन कह रही हूँ, बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पर आपके पास में लेके आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि यार मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अपने मन को बिल्कुल पक्का कर लेना, अपने हालातों से लड़ने के लिए तैयार हो जाना, अपनी लाइफ को चेंज करने का डिटर्मिनेशन लेके चलना कि नहीं मुझे ये लाइफ ऐसी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी लाइफ बदलनी है और मुझे जो मैंने सोच लिया वो मुझे करके दिखाना है। दिस इज़ माय फाइनल डिसीजन एंड आई हैव टू डू इट। क्योंकि एनर्जी यहाँ पे अगर हम देखें जो बॉटम से आ रही, किंग ऑफ वेंड्स की आ रही, किंग ऑफ वेंड्स एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, डिटरमाइंड एनर्जी है, जो एंथुजियाज्म से, करेज से भरी हुई एनर्जी है, जो इंसान कुछ करके दिखाना चाहता है, कुछ प्रूव करना चाहता है, कुछ क्रिएट करना चाहता है, जो उसकी लाइफ को चेंज कर सके, ठीक है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सके। तो ये बहुत ही मेजर इम्पैक्ट यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज में यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेज यहाँ पे क्या है। तो जो भी होगा व्यूअर्स डिसीजन जो भी आपकी तरफ आएगा वो बहुत ही मेजर होगा, क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पे 4, 7 एंड 10, 10 की एनर्जी यानी 20 की एनर्जी आ रही है किंग ऑफ वैंड्स के साथ में। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं, वो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। अच्छा, कितने दिनों में होगा आप पूछेंगे, तो विद इन 4 टू 7 डेज़, ठीक है, विद इन 4 टू 7 डेज़ आपके पर्सन आपके पास में डिसीजन लेके आ रहे हैं। ये 4 आवर्स भी हो सकता है, ठीक है, ये 24 आवर्स भी हो सकता है, नहीं तो 7 डेज़ तो पक्का है यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 7 डेज़ के अंदर अंदर अब ये व्यक्ति मतलब ऐसा है ना, यहाँ पे जो डिसीजन दिख रहा है वो ये कि इंसान को ऊँचाइयाँ छूनी है, उसको कुछ करके दिखाना। अब ऊँचाइयाँ छूने का मतलब ये है कि जो उसके लिए इम्पॉसिबल है वो टास्क उसको करके दिखाना है। तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। आपने इनको कोई लेसन सिखाया है, कुछ करके दिखाया है व्यूवर्स, तो आपके पर्सन यहाँ पर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, आपने आपका अगर इस व्यक्ति ने दिल तोड़ा था तो आपने रिटर्न में कोई एक्शन लिया तो लेना बनता भी था, और आपने लिया तो उसको कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन उसकी जो अहमियत है वो समझ पा रहे हैं, आपके प्यार की जो अहमियत है वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं होना चाहिए था, और आपने थोड़ा देर से किया वो अलग बात है, लेकिन आपने किया यही बहुत बड़ी बात है, और इसी की वजह से सारा का सारा यहाँ पर जो गेम है वो चेंज हुआ है, गेम चेंज हो चुका है व्यूवर्स, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हालात अब बदल चुके हैं। आपके पर्सन को यहाँ पे ये भी लगता है कि भाई आप एक ऐसे व्यक्ति जिसको बहुत अच्छा इंसान मिलना चाहिए था, क्योंकि आपने उनको सच्चा प्यार दिया, आप उनके लिए लॉयल रहे, आपने वो कोई गलती नहीं करी जो इस व्यक्ति ने करी, तो आपको इनसे बेहतर इंसान ही मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इस व्यक्ति के पीछे हो। तो ये भी एक तरह का दिखाती है ना कितने ज़्यादा डेडिकेशन है, कितनी ज़्यादा आपके प्यार में शिद्दत है, वो भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। आई फील योर लव अराउंड मी, तो आपके पर्सन को आपका जो प्यार है वो कंटिन्यूस उनको फील होता है, इनको हमेशा से आपसे हमेशा से लव वाइब्रेशन मिली है, ठीक है। लव वाइब्रेशन मतलब उनको कभी भी ऐसा नहीं आपने फील होने दिया कि आप उनसे नफरत करते हो, आप उनसे प्यार करते हो, आप उनको चाहते कितना हो, चाहे उन्होंने कितना भी कुछ किया हो आपके साथ में, लेकिन फिर भी आपने कोई गलती नहीं करी अपनी तरफ से, ये चीज़ें इस व्यक्ति को नज़र आती हैं। आपके पर्सन आपको लेके ये भी कह रहे हैं कि वो चाहे बेशक आपसे दूर हो, लेकिन आज भी वो आपके लिए सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है, बेशक अपनी फीलिंग ना दिखाते हों, ठीक है, क्योंकि एक्शन में नज़र आया कि बड़े लेवल पर करेंगे, यानी जो उन्होंने अब तक नहीं किया वो करेंगे। तो आपके पर्सन अपनी फीलिंग बेशक आपको राइट नाउ नहीं दिखा रहे हो, आपको कुछ जता नहीं रहे हो, लेकिन उनके दिल में यही है कि वो आपको इस तरह से हक करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ में होना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं, लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, जैसे ज़िंदगी बिताना, बितानी है बितानी तेरी बाहों में, सुना ना गाना वो, तो वो एनर्जी का इस यहाँ पे नज़र आ रही है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, यही तो बात मैं अभी आपको बोल रही थी, तो वही आ गया, होल्ड करना चाहते हैं आपको, हक करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। आपके पर्सन को यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप पहले जैसा, मतलब आप
वैसा फील नहीं करते, इनको लग रहा है कि अब आप थोड़ा वैसा फील करते हो लेकिन अब नहीं करते, या फिर कुछ आपकी फीलिंग में चेंज आ चुका है, या फिर जैसा इन्होंने सोचा था कि आप ऐसा कुछ करके दिखाओगे आपने वैसा कुछ नहीं किया। तो व्यूअर्स यहाँ पे इनके कहीं ना कहीं आपने इनकी सोच बदली है, कैसे भी करके हो लेकिन इनकी सोच बदली। व्यूअर्स आपके पर्सन ने आपको लेके अपनी फैमिली में बात की है, आपके पर्सन ने आपके रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है। अब चाहे वो थर्ड पार्टी हो रिलेशनशिप में, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कोई पर्सन हो जो इनकी लाइफ में इनका हस्बैंड या इनकी वाइफ हो, या कोई और अनदर फैमिली मेम्बर हो, लेकिन इन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे कि कह दिया कि हाँ ये मेरा प्यार है और मैं इससे प्यार करती हूँ, ये करता हूँ, या फिर ये मेरे लिए ये मायने रखता है व्यक्ति, ठीक है। तो वो आपके बारे में बता चुके हैं, सो डोंट वरी व्यूअर्स। आपके पर्सन यहाँ पर आपको यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी डिसीजन होगा ना वो बड़े लेवल पे होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, जिसका मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनली आप चाहें तो वीडियो में दिए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वो चार्जेबल होती है। तो ये थी रीडिंग आपकी, बाय बाय, टेक केयर।